विदिशा मेले में चोरी, कंगन की दुकानों में लगी आग। आग लगने से दो लोग आग में झुलसे, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। आसपास के दुकानदारों द्वारा आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। विदिशा की रामलीला क्षेत्र में लगने वाले मेले में सुबह 3 से 4 बजे के आसपास चूड़ी कंगन की दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात 3 से 4 बजे के आसपास चूड़ी कंगन की दुकान में भयंकर आग लग गई है, जिसमें दुकान के अंदर सो रहे दो लोग भी आग में झुलस गए हैं, जिनका इलाज विदिशा जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। वही आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वही स्थानीय दुकानदार जिसकी दुकान में आग लगी है, उसका कहना है कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आग लगने से लगभग 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई गई है। वह इसमें प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। जिला मुख्यालय पर होने के बाद भी एम्बुलेंस लगभग 2 घंटे देरी से पहुंची। लोगों ने बताया कि एम्बुलेंस का यदि इंतजार और करते रहते तो आसपास की कई दुकानों में और आग लग जाती। विदिशा से तोरण सिंह, शिल्पकार की रिपोर्ट। कमलेश कुशवाहा। आपकी मेले में दुकान लगी हुई है, मेले में दुकान में जो आग लगी है, क्या घटना घटी हुई? ये घटना रात को 3:30 बजे की समथिंग, मैं अपनी दुकान में शॉप में सो रही आया था, अचानक आग की चिल्लर शॉट सुन के बाहर आए तो देखा भयंकर आग लगी थी दोनों दुकानों में। तो अंदर दो जने सो रहे थे, एक भाई के दोनों हाथ जल चुके हैं और एक जने के पैर जला है, तो शॉर्ट सर्किट हुआ उसके कारण आग लगी है ये। क्या नाम है उनका जिनको चोट आई? एक का नाम सानू, एक का सानू है, एक का आकाश है, एक का आकाश। दुकान किसकी है? सानू की। दोनों भाई हॉस्पिटल में से भर्ती है। हाँ, और करीबन इनका नुकसान हुआ है 4 से 5 लाख रुपए। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार लखेरा। कहाँ दुकान है आपकी? ये राधा रानी कंगन स्टोर। क्या हुआ आपका? क्या हुआ? रात को आग लगी है यहाँ पे, अब पता नहीं किस कारण से लगी है, हैं। रात को करीब करीब 4 बजे हमको मालूम पड़ा तो दुकान में आग लगी है मेले में। तो मैं वहाँ से घर से आया, आके देखा तो दुकान में आग लगी थी, हैं। लोगों ने बुझाई, हैं। बुझाने के बाद में कितनी दुकानों में आग लगी? एक दुकान मेन है, साइड वाली दुकान हमारी वाली, इसमें भी आग लगी है, थोड़ा सा कपड़ा उस तरफ वाली में भी जला है। इसका नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत हुआ है साहब, अंदाज तो कम से कम 3-4 लाख रुपए का नुकसान होगा, समथिंग। अच्छा। अब अपन तो इतना, इसके साथ अन्य नुकसान भी हुआ है? कोई गाड़ी मोड़े? हाँ, एक गाड़ी जली है, गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, वो भी डैमेज हो गई। दुकान में कोई पहले था के अंदर? हाँ, दो लोग थे। क्या हुआ वो? अब उनका मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि मैं अंदर था भी नहीं, जहाँ पे भी नहीं था।